भाग 17 उपचार में आस्था का उपयोग कैसे करें। अध्याय 2। काफी समय से मुझे बहुत से पाठकों और रेडियो कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं के साथ साथ अपने उपचार से लाभान्वित लोगों के विचार, जिनमें आस्था का तत्व विद्यमान था, से बहुत सी प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती रही हैं। मैंने इनमें से बहुतों की अपने दिमाग की जिज्ञासा कि वो सच कह रहे हैं को शांत करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर पूरी सावधानी बरतते हुए जांच की है। इसके साथ ही मैं ये कहने में भी सक्षम होना चाहता था कि सबसे अधिक निराशावादी दृष्टिकोण के लिए ये स्वास्थ्य, खुशियां और सफल जीवन को पाने का मार्ग है जो साक्ष्यों से पूरी तरह मजबूत किया गया। केवल वही व्यक्ति इन साक्ष्यों की प्रामाणिकता को नकार सकता है जो अपने अवचेतन मन की असफल होने की तीव्र इच्छा के चलते बीमार बने रहना चाहता हो। केवल वही अनुभवों पर प्रश्न चिन्ह लगाकर इनके उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के अनुभवों से वंचित रह सकता है। वो सूत्र जिसका इन बहुत सी घटनाओं में एक साथ उपयोग किया गया है, वो संक्षिप्त तौर पर कुछ इस प्रकार है। चिकित्सा क्षेत्र एवं मनोवैज्ञानिक विज्ञान के सभी साधनों के उपयोग के साथ साथ आध्यात्मिक विज्ञान के साधनों का भी उपयोग किया जाए। ये उन थेरेपियों का सम्मिश्रण है जो निश्चित तौर पर आपको स्वस्थ करेंगी और आपको सफल जीवन की ओर अग्रसर करेंगी, अगर उसमें उस मरीज को स्वस्थ करने की ईश्वर की इच्छा शामिल है। स्वाभाविक है कि हम में से प्रत्येक के लिए एक समय ऐसा आएगा जब हमारे इस मानवीय जीवन का अंत हो जाएगा। जीवन अपने आप में कभी समाप्त नहीं होता, केवल इस पृथ्वी पर उसकी उपस्थिति का चक्र पूरा हो जाता है। पुराने समय के कहलाने वाले चर्च के विषय में मेरा किया गया एक आकलन ये है कि वहां पर हम एक बहुत बड़े संभावित योगदान को सकारात्मकता के साथ जोड़ना भूल जाते हैं कि ईसाई धर्म में मानव स्वास्थ्य की उत्तमता का भी संदेश दिया गया है। चर्च में इस संदेश पर जोर देने में असफल रहने पर समूहों, संगठनों एवं अन्य आध्यात्मिक भागों को ईसाई धर्म की इस शिक्षा की पूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इस संबंध में कोई वैध कारण नहीं है कि क्यों सभी चर्चों द्वारा इसको मान्यता नहीं दी गई है, जिसको पहले से प्रमाणित किया गया है कि आस्था में उपचार की भी शक्ति है तथा ये और भी सामान्य तौर पर लोगों के लिए उपयुक्त उपचारात्मकता तकनीकों को उपलब्ध करवाते हैं। सौभाग्य से आज सभी जगह हमारे सभी धार्मिक संगठनों में विचारशील, वैज्ञानिकता के आधार पर विचार करने वाले आध्यात्मिक प्रमुख आस्था से जुड़े अतिरिक्त कदम उठा रहे हैं जो तथ्य व धर्म ग्रंथ पर आधारित हैं को लोगों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। ये प्रभु यीशु द्वारा बताए गए अद्भुत उपचारात्मक सूत्र हैं जो पहले कभी उपलब्ध नहीं थे। उपचार के सफलतापूर्वक किए गए मामलों में मैंने जो भी जांच की है उनमें कुछ कारक अवश्य विद्यमान रहे हैं। पहला, ईश्वर के हाथों में खुद को सौंपने का संपूर्ण समर्पण। दूसरा, संपूर्ण रूप से सभी गलत चीजों जैसे किसी भी तरह के पाप को पूर्ण रूप से छोड़ना और आत्मा को स्वच्छ करने की इच्छा का होना। तीसरा, चिकित्सा विज्ञान एवं ईश्वर की उपचारात्मक शक्ति के मिश्रित रूप से उपजी समरसता थेरेपी पर विश्वास व आस्था। चौथा, ईश्वर के उत्तर को चाहे वो जो भी हो को स्वीकार करने की विशुद्ध इच्छा और उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी तरह की परेशानी या कड़वाहट का मन में ना होना। और पांचवा, एक दृढ़ तथा मन में बिना किसी संदेह या प्रश्न के मन में व्याप्त आस्था कि ईश्वर मेरा उपचार कर सकता है। इन सब उपचारों में ऐसा प्रतीत होता है कि उत्साह व प्रकाश एवं आश्वासन की भावना पर जोर दिया है कि शक्ति का संचार हो रहा है। व्यावहारिक तौर पर मैंने जिस भी मामले की जांच की है, एक या किसी दूसरे रूप में मरीज से बातचीत के दौरान एक पल ऐसा आता है कि जब वो उत्साह, ऊष्मा, सुंदरता, शांति, आनंद और मुक्ति के एहसास को महसूस करता है। कभी कभी ये अचानक होने वाला अनुभव होता है तो कई बार ये धीरे धीरे परत दर परत खुलने वाला दृढ़ विश्वास होता है कि उपचार की प्रक्रिया हो रही है। इन मामलों की मेरी जांच में हमेशा ही
मैं उस संचारित समय की प्रतीक्षा करता हूं जिसमें मैं ये सिद्ध करूं कि उपचार स्थायी तौर पर हो रहा है और मैं जिन मामलों के बारे में बात करता हूं वो किसी अस्थायी सुधार पर आधारित नहीं होते, जो संभवतः क्षणिक तौर पर उत्पन्न हुई शक्ति के परिणाम स्वरूप दृष्टिगत होते हैं। उदाहरण के लिए, यहां पर मैं उस महिला के मुझे लिखे उपचारात्मक अनुभव के बारे में बताता हूं जिसकी विश्वसनीयता व परख का मैं दिल की गहराई से सम्मान करता हूं। इस मामले की प्रामाणिकता पक्की व वैज्ञानिक तौर पर प्रभावी है। उस महिला को कहा गया कि उसे तुरंत ही ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता है क्योंकि उसके शरीर में विकसित हुआ घाव जानलेवा है। मैं यहां उसके ही शब्दों को दोहरा रहा हूं। सावधान रहने के लिए जितने भी आवश्यक कदम थे वो सभी लिए जा चुके थे, लेकिन फिर भी प्रस्फुटन वापस आ गया था। जैसी कि अपेक्षा की जा सकती है, मैं बहुत डरी हुई थी। मैं जानती थी कि अस्पताल में जो इलाज हुआ है वो निरर्थक साबित हुआ था। कोई आशा नहीं बची थी, इसलिए मैं मदद मांगने ईश्वर के पास गई। प्रभु की एक बहुत ही प्रतिष्ठित व आध्यात्मिक संतान ने मेरी मदद की। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे यह एहसास करवाया कि ईश्वर का वास्तविक ज्ञान और अपनी उपचारात्मक शक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मेरी मदद करेंगे। मैं इस तरह के विचारों को स्वीकार करने के लिए बहुत ही ग्रहणशील थी और मैंने खुद को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया। मैंने ये मदद एक सुबह आम दिनों की तरह मांगी और अपना सारा दिन अपने रोजमर्रा के कामों में व्यतीत किया। उस समय मुझे बहुत से काम निपटाने थे। मैं रसोई में अकेली शाम का खाना बना रही थी। मुझे कमरे में एक अजीब से प्रकाश की अनुभूति हुई और मैंने अपनी पूरी बाईं ओर एक तरह का दबाव महसूस किया, जैसे कोई व्यक्ति मेरी बाईं ओर मेरे बहुत पास खड़ा हो। मुझे उपचार करने की आवाज आ रही थी। मैं जानती थी कि मेरी ओर से मेरे लिए प्रार्थनाएं की गई हैं, अतः मैंने तय किया कि अवश्य ही ये उपचार के लिए आए वही प्रभु यीशु हैं जो अब मेरे साथ हैं। मैंने सुबह तक प्रतीक्षा करने का मन बनाया जिससे मैं सुनिश्चित हो सकूं कि वास्तव में मेरी परेशानी के लक्षण गायब हो रहे हैं, तब मैं इसके प्रति आश्वस्त हो पाऊंगी। सुबह तक मेरी हालत में आया सुधार पूरी तरह से साफ साफ दिख रहा था और मैं मानसिक तौर पर बहुत ही चिंता मुक्त व हल्का महसूस कर रही थी। मैं अपनी हालत को लेकर इतनी अधिक सुनिश्चित हो चुकी थी कि मैंने अपने दोस्त को बताया कि मेरा उपचार हो गया है। मेरे दिमाग में उस रात हुई उपचारात्मक प्रक्रिया और प्रभु यीशु की उपस्थिति की यादें आज भी उतनी ही ताजा हैं जितनी की तब थीं। ये 15 वर्ष पहले की बात है और मेरी सेहत में उसके बाद से बहुत ही तेजी से सुधार हुआ। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। हृदय संबंधी बहुत सी बीमारियों के मामले में आस्था की थेरेपी, प्रभु यीशु में शांत निर्मल आस्था, बिना किसी संदेह के सेहत में सुधार की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देती है। जिन लोगों ने एक हृदयाघात का दंश झेला है, जो उसके बाद तुरंत ही पूरे मन से और पूर्ण रूप से प्रभु यीशु द्वारा दी जाने वाली उपचारात्मक पद्धति में आस्था रखने का अभ्यास करते हैं, साथ साथ अपने चिकित्सक द्वारा बताए गए नियम व उपचार का भी पालन करते हैं, उनमें बहुत जल्दी अच्छे सुधार को देखा जाता है। संभवतः ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति पहले से भी अधिक सेहतमंद हो जाता है क्योंकि वो अपनी सीमाओं को पहचान जाता है और उसे यह भी एहसास हो जाता है कि वो खुद पर आवश्यकता से अधिक तनाव डाल रहा था। अब वो अपनी शक्ति को संचित करना सीख लेता है, लेकिन इससे भी अधिक वो मानव को सेहतमंद व खुश रखने वाली एक और सबसे बेहतर तकनीक को सीख लेता है। वो है खुद को ईश्वर की उस उपचारात्मक शक्ति के हाथों में समर्पित करना। इसे वो पूरी जागरूकता के साथ खुद को एक ऐसी रचनात्मक प्रक्रिया के साथ जोड़ता है जिसमें मानसिक तौर पर प्राप्त होने वाले पुनर्रचनात्मक बल को स्वयं के भीतर परिचालित करता है। मरीज अपनी अवचेतनता को उस संसार में व्याप्त उस ऊर्जा की लहर एवं पुनर्रचनात्मक ऊर्जा के लिए खोल देता है जो उसके जीवन को तनाव,
उच्च दबाव और स्वस्थ जीवन जीने से रोकने वाली अन्य बाधाओं से दूर कर देती है। करीब 35 वर्ष पूर्व एक उच्च कोटि के व्यक्ति को हृदयाघात का सामना करना पड़ा। उसे कहा गया कि वो फिर कभी काम करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। उसे कहा गया कि उसे अपने जीवन का अधिकांश भाग बिस्तर पर लेटकर ही बिताना होगा। उसे यह भी कहा गया कि संभवतः उसके पास जीवन के गिनती के कुछ दिन ही बचे हैं। अपने भविष्य के बारे में इन कड़वे वचनों को उसने सुना और उन पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार भी किया। एक सुबह वो रोज से कुछ समय पहले जाग गया और अपनी बाइबल को उठाया। अचानक ही, या वास्तव में उसने बस अचानक ही ऐसा किया, जब उसने उसे खोला तो उसमें प्रभु यीशु द्वारा दिए गए उपचारात्मक वचनों में से एक पर उसकी दृष्टि गई। उसने उस कथन को पढ़ा, प्रभु यीशु वही कल और आज व हमेशा। उसे ऐसा लगा कि जैसे प्रभु यीशु बहुत साल पहले लोगों का उपचार करते थे और वो आज भी वैसे ही हैं जैसे कि तब थे, तो वो आज उपचार क्यों नहीं कर सकते? प्रभु यीशु मेरा उपचार क्यों नहीं कर सकते? उसने प्रश्न किया। फिर उसके भीतर आस्था का सैलाब उमड़ आया। इसलिए अपने भीतर व्याप्त आत्मविश्वास के साथ उसने ईश्वर से अपना उपचार करने के लिए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसके कानों में प्रभु यीशु के स्वर सुनाई देंगे और वो कहेंगे, बिलीव्ड थाउ दैट आई कैन डू दिस, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? और उसका उत्तर था, हां प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हैं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे प्रभु उसके हृदय का उपचार करने के लिए उसे स्पर्श कर रहे हैं। उस पूरे दिन उसे आराम देने वाली एक अजीब सी अनुभूति होती रही। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे इस बात पर पूरा विश्वास होने लगा कि उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा का प्रवाह होने लगा है। अंततः एक दिन उसने प्रार्थना की, प्रभु यदि आपकी इच्छा हुई तो कल सुबह मैं तैयार होऊंगा, बाहर जाऊंगा और कुछ ही दिनों में अपने काम पर वापस जाऊंगा। मैंने अपने आप को पूरी तरह से आपकी छत्र छाया में समर्पित कर दिया है। अगर मैं कल बहुत अधिक काम करने के परिणाम स्वरूप मर जाता हूं तो मैं आपको मुझे अब तक दिए सभी अद्भुत दिनों के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपकी मदद से मैं कल फिर से एक नई शुरुआत करूंगा और आपको मेरे साथ सारा दिन रहना होगा। मुझे विश्वास है कि मेरे अंदर पर्याप्त शक्ति है, पर अगर मैं अपने इस प्रयास के परिणाम स्वरूप मर जाता हूं तो मैं हमेशा के लिए आप में तल्लीन हो जाऊंगा और दोनों ही तरह से मेरे लिए जो होगा अच्छा होगा। अपनी इस शांत आस्था के साथ जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने अपने दैनिक क्रियाकलापों में बढ़ोतरी करना आरंभ कर दिया। उसने उसके बाद अपने संपूर्ण सक्रिय करियर, जो कि उसे हृदयाघात आने के दिन से लेकर अंत तक 30 वर्ष का समय था, के क्रियाकलापों के दिनों में इसी सूत्र का अनुसरण किया। वो 75 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ। मैं ऐसे बहुत ही कम लोगों को जानता हूं जो अपने व्यवसाय में इतने उत्साह के साथ काम करते हैं और मानव कल्याण की दिशा में अपना योगदान देते हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा अपनी शारीरिक व मानसिक शक्ति को संरक्षित करके रखा, उनकी हमेशा यह आदत रही कि वो दोपहर के खाने के बाद लेट जाते एवं आराम करते, और उन्होंने हमेशा खुद को तनाव मुक्त रखा। वो रात को जल्दी सोते और सुबह जल्दी उठते। उन्होंने हमेशा जीवन यापन के सख्त व अनुशासनात्मक नियमों का पालन किया। उनके सभी क्रियाकलापों में चिंता, रोष व तनाव की सदैव अनुपस्थिति रहती। वो कठिन परिश्रम करते लेकिन सहजता के साथ। उनके बारे में चिकित्सकों ने सही कहा था, अगर उन्होंने अपने पहले के जीवन की आदतों को जारी रखा होता तो वो काफी पहले मर चुके होते, या कम से कम जीवन का आनंद खो बैठते।
चिकित्सकों की सलाह उन्हें उस बिंदु तक लेकर आई जहां से प्रभु यीशु का उनका उपचार करने का कार्य पूरा हो गया। बिना हृदयाघात के वो मानसिक व आध्यात्मिक तौर पर अपने उपचार के लिए तैयार नहीं हो पाते। मेरे एक और दोस्त, एक प्रमुख व्यवसायी, ने भी हृदयाघात की पीड़ा को झेला। कई हफ्तों तक वो बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन अब वो अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने की ओर लौट चुका है, जहां अब वो उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करता रहा जिसे उसने पहले शायद ही कम तनाव के साथ पूरा किया हो। ऐसा लगता है कि उसमें अब एक नई शक्ति का संचार हो गया है, जिसका आनंद उसने पहले कभी नहीं लिया था। उसकी ये ठीक होने की गति एक निश्चित और वैज्ञानिक व आध्यात्मिक मार्ग से होते हुए उसकी शारीरिक समस्या तक पहुंची। उसके पास बहुत से सक्षम चिकित्सक थे और उसने उनके दिशा निर्देशों का अनुसरण स्पष्ट तौर पर किया, जो कि उसकी स्थिति में एक महत्वपूर्ण कारक था। हालांकि उसकी चिकित्सा व उपचार के कार्यक्रम में इसके अतिरिक्त उन्होंने एक आध्यात्मिक उपचार सूत्र पर भी काम किया, जिसे उन्होंने इस प्रकार से रेखांकित किया। अस्पताल से लिखते हुए उन्होंने बताया, मेरे एक बहुत ही निकट के दोस्त, केवल 25 वर्ष के, को अस्पताल में ठीक हृदयाघात के कारण मेरी जैसी ही स्थिति में लाया गया और वो कुछ ही घंटों में मर गया। मेरे पास ही कमरे में मेरे दो परिचित भाग्य की मार को एक जैसे ही झेल रहे थे। इसका मतलब था कि मुझे अपने लिए कुछ तो करना ही था, अतः मैं वापस आया और अपने सामने आए काम को करने में खुद को इस उम्मीद में लगा दिया कि लंबा जीवन जी सकूं और पहले से भी अधिक मात्रा में, जो शायद मैं इस अनुभव के बिना नहीं करता। अस्पताल के चिकित्सक बहुत ही अच्छे थे, वहां का नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा था। पूरा अस्पताल ही मेरे लिए एक आदर्श जगह थी। इसके आगे फिर उन्होंने आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ की तकनीक को रेखांकित किया, जिसका उन्होंने उपयोग किया था। उस सूत्र में 3 भाग सम्मिलित हैं। पहला, पहले चरण के दौरान जब पूर्ण रूप से आराम करने की आवश्यकता होती है, मैंने स्तोत्र स्थिर बने रहो और ये जानो कि मैं ईश्वर हूं उपदेशों को अपने मन में लगाया। ऐसा कहा गया, वो पूरी तरह से आराम करते और ईश्वर की शरण में आराम करते। दूसरा, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, मैं इस कथन का उपयोग करता, ईश्वर की प्रतीक्षा करो, साहसी बनो और वो तुम्हारे हृदय को शक्तिशाली बनाता है। मरीज अपने हृदय को ईश्वर की देखभाल में छोड़ देता है और ईश्वर अपने उपचार वाला हाथ उसके हृदय पर रख देता है तथा उसे पुनर्जीवन देता है। और तीसरा, अंततः शक्ति की वापसी के साथ एक नया आश्वासन व आत्मविश्वास आता है, जिसे मैंने कथन में अभिव्यक्त किया है, मैं सभी चीजें प्रभु यीशु के द्वारा करता हूं जो मुझे शक्तिशाली बनाते हैं। इसमें उन्होंने सकारात्मक कथन कहा कि उनको शक्ति प्रदान की गई और यह करने पर उन्हें नई शक्ति प्राप्त हुई। 3 बिंदुओं वाले इस सूत्र में इस व्यक्ति ने अपना उपचार पा लिया। उनके चिकित्सकों की कारगर सहायता संरक्षित थी और उनके शरीर को सेहतमंद बनाने वाले उपचारात्मक बल को बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही समान रूप से पूरी जानकारी के साथ आस्था के प्रयोग ने उनकी स्वस्थ होने की प्रक्रिया को शीघ्र उनके स्वभाव में व्याप्त आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देने के साथ पूरा किया। इन 2 थेरेपियों को एक साथ हमारे जीवन में व्याप्त 2 सबसे उत्तम पुनर्जीवन देने वाले बलों पर लाया गया, जिसमें से एक वो जो मानव शरीर की उपचारात्मक शक्ति है, जबकि दूसरी मानव मन में संरक्षित है। एक वो जो चिकित्सकीय सेवाओं की ओर प्रतिक्रिया देती है और दूसरी वो जो आस्था से उपचार करती है। ईश्वर का वास दोनों ही शक्तियों में निहित होता है। उसी ने शरीर व मन दोनों की रचना की है और वो सेहतमंद व तंदुरुस्त रहने की प्रक्रिया दोनों को संचालित कर स्थापित करता है। उसके अंदर ही हम वास करते हैं एवं गतिशीलता पाते हैं और अपने अस्तित्व को पाते हैं। बीमारी से बचने और मस्तिष्क व शरीर का उपचार करने के लिए अपने पास उपलब्ध सबसे महानतम साधन आस्था, जो उपचार करती है,
की ओर ध्यान को अवश्य दें। इस अध्याय में जिन सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है उनके प्रकाश में एक रचनात्मक प्रवृत्ति को अपनाकर आप उस समय क्या कर सकते हैं जब आप या आपका कोई प्रियजन बीमार पड़ जाता है। इस संबंध में नीचे 9 व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। पहला, एक चिकित्सा विद्यालय के प्रमुख की सलाह का अनुसरण करें जिन्होंने कहा, बीमारी में ठीक उसी तरह अपने धर्म उपदेशक के पास भी जाएं जिस प्रकार से आप डॉक्टर के पास जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इस पर विश्वास करें कि उपचार की प्रक्रिया में आध्यात्मिक बल के एवं चिकित्सा तकनीक दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दूसरा, अपने डॉक्टर के लिए प्रार्थना करें। यह महसूस करें कि डॉक्टर अपनी उपचारात्मक शक्तियों की सहायता के लिए प्रशिक्षित मानव औजारों का उपयोग करता है। जैसे कि डॉक्टर द्वारा कहा जाता है, हमने मरीज का इलाज कर दिया और अब बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। इसलिए प्रार्थना करें, हो सकता है कि उस ईश्वर की आपको ठीक करने के लिए बरसाई जाने वाली कृपा का माध्यम संभवतः डॉक्टर हो। तीसरा, आप जो कुछ भी करें उसमें बिल्कुल भी हड़बड़ाहट ना हो, ना ही आप डरे हुए हों, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नकारात्मक विचारों को संप्रेषित करेंगे। इस तरह आपके प्रियजन जिनके स्वस्थ होने की कामना आप कर रहे हैं उनकी दिशा में आप विध्वंसक विचारों को भेज सकते हैं, जबकि उनको सकारात्मक विचारों एवं उपचार करने वाले विचारों की आवश्यकता है जिससे कि उन्हें सहायता मिल सके। चौथा, याद रखें, ईश्वर भी नियमों से परे हटकर कुछ नहीं करता। यह भी याद रखें कि इस ब्रह्मांड में जो महानतम शक्ति प्रवाहित हो रही है हमारा छोटा सा भौतिकवादी नियम उसका खंडित प्रकटीकरण मात्र है। पांचवा, आध्यात्मिक नियम बीमारियों को भी संचालित करता है। ईश्वर द्वारा सभी बीमारियों के उपचार के लिए 2 उपायों की व्यवस्था की गई है, जिसमें से एक प्राकृतिक नियम जो कि विज्ञान द्वारा लागू होते हैं के माध्यम से उपचार करना, और दूसरा आध्यात्मिक नियमों के माध्यम से उपचार करता है जिसे आस्था के द्वारा लागू किया जाता है। छठा, अपने प्रियजनों को पूरी तरह से ईश्वर के हाथों में सौंप दें। आप अपनी आस्था के द्वारा उन्हें आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह में स्थित कर सकते हैं। वहां पर उनका उपचार होता है, लेकिन उसको प्रभावशाली करने के लिए मरीज को ईश्वर की इच्छा द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए। इसे समझना बहुत ही कठिन है और इसे करना भी उतना ही कठिन है, लेकिन यह सत्य है कि अगर आपके प्रियजन में जीने की चाह बहुत अधिक तीव्र है और उसकी वो चाह ईश्वर की इच्छा के भरोसे पूरी तरह से छोड़ने की चाह के साथ मिल जाती है तो उनके उपचार करने की शक्ति अद्भुत ढंग से गतिशील हो जाती है। सातवां, यह आवश्यक है कि परिवार में एक तरह की समरसता विद्यमान होनी चाहिए। वो समरसता है आध्यात्मिक समरसता। याद रखें, मैथ्यू के स्तोत्र में जिस पर जोर दिया गया है, यदि इस पृथ्वी पर आप 2 लोग किसी चीज के स्पर्श को समान रूप से स्वीकार करते हैं तो उन्हें उसे पूरा करने के लिए उससे कहना चाहिए, वो उनके लिए उस परम पिता के द्वारा पूरा किया जाएगा जो कि स्वर्ग में रहता है। स्पष्ट रूप से असंगति व बीमारियां एक समान हैं। आठवां, आपके मन में बसी अपने प्रियजन की तस्वीर में उन्हें स्वस्थ रूप में देखें। यह कल्पना करें कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। उनकी ऐसी तस्वीर बनाएं जिसमें उन्हें ईश्वर का प्यार और उसकी अच्छाई प्राप्त हो रही है। संभव है कि चेतन मन उनकी बीमारी या हो सकता है कि मृत्यु की भी कल्पना करे, लेकिन आपके दिमाग का 9/10 हिस्सा अवचेतन अवस्था में होता है, तो अपने अवचेतन मन में उनके स्वस्थ होने की तस्वीर समाहित करें और आपके मन का यह शक्तिशाली हिस्सा प्रकाशित होने वाली स्वस्थ ऊर्जा को आगे भेजेगा। जिस भी चीज पर हम अवचेतन मन में विश्वास करते हैं वो हमें आम तौर पर प्राप्त होती है।
जब तक आपके चेतन मन का विश्वास आपके अवचेतन मन को नियंत्रित करता है, तब तक आपको कोई भी अच्छी चीज नहीं मिलती, क्योंकि अवचेतन मन वही चीज वापस करता है जिसके बारे में आप वास्तव में सोचते हैं। अगर आपके वास्तविक विचार नकारात्मक हैं, तो आपको प्राप्त होने वाला परिणाम भी नकारात्मक होगा। अगर आपके वास्तविक विचार सकारात्मक हैं, तो आपको सकारात्मक एवं उपचार करने वाले परिणाम प्राप्त होंगे। और नवा, पूरी तरह से स्वाभाविक रहें। ईश्वर से अपने प्रियजनों का उपचार करने के लिए कहें, क्योंकि आप दिल से यही चाहते हैं। अतः उनसे कहें कि कृपा करके वो ऐसा करें। लेकिन हम आपको सुझाव देना चाहते हैं कि आप कृपया शब्द का प्रयोग केवल एक बार करें। उसके बाद आप अपनी प्रार्थना में उसका धन्यवाद, उसकी कृपा बरसाने के लिए करें। पूरी दृढ़ता के साथ कहे गए ये कथन गहरी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करने में सहायक तो होंगे, साथ ही ईश्वर द्वारा दिए गए प्यार और देखभाल के माध्यम से आपको आनंद भी प्रदान करेंगे। ये आनंद ही आपको संभालेगा। और याद रखें, आनंद में भी उपचार करने की शक्ति निहित होती है।